लेकिन इससे लड़की का गुनाह कम नहीं हो जाता। उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और कोर्ट से जमानत उसे मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोर्ट से जमानत मिलने में वक्त तो जाएगा ही, एटलीस्ट एक दिन का प्रोसीजर है, तब तक बुलबुल को हम माफ कीजिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब अगर कानून सबके लिए एक है तो फिर आपको बुलबुल की बात भी सुननी चाहिए। जब वो कह रही है कि उसने ये नहीं किया है, अब सुन क्यों नहीं रहे? बजाय इसके कि आप उसको गिरफ्तार करें, आपको छानबीन करनी चाहिए। क्या छानबीन करें गुड्डू जी, कोई किसी के ऊपर एफआईआर ऐसे नहीं करा देता। हम मानते हैं बुलबुल मिश्रा जानी मानी पहलवान है, मेडल वगैरह काफी जीते हैं, लेकिन इसका मतलब उन्हें गुंडागर्दी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। वो समय और था जब मास्टर बच्चों को मारते थे और माँ बाप चुप रहते थे। आजकल सीधा एफआईआर होता है और इस केस में भी यही हुआ है। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट से इसे जमानत मिलेगी। आप प्लीज आइए। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। ये दिल भी देखना था हमको, हमरी बुलबुलिया थाने में बंद है। हमरी बुलबुल कभी झूठ नहीं बोलती है। उसने कहा कि वो लड़की कुश्ती सेंटर आई ही नहीं तो ऐसा ही हुआ होगा। हमको लगता है उसकी माँ जानबूझकर हमरी बुलबुल को फंसाने के लिए सब झूठ बोल रही है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आज की डेट में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी कीमत पर हम बुलबुलिया को कल वापस लेकर ही आएंगे, फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे इस औरत ने ऐसा काहे किया। टुटुआ, तू हमारी एक बात मानेगा, आज रात तुम यही रुक जाओ। इस आफत की रात में तुम्हारा सहारा बना रहेगा। हाँ, पहली बार हमें बुलबुल को लेके बहुत घबराहट हो रही है। हम जानते कि वो बहुत मजबूत है, अकेले किसी भी तूफान का सामना कर सकती है, लेकिन आज क्यों इतना डर लग रहा है? हमें माफ कर दीजिए माँ, आज की रात सब पर भारी गुजरेगी हमारी वजह से। बस एक बार हम यहाँ से बाहर निकल जाए ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं जिसने हमें फंसाया है। लेकिन हम साबित कैसे करेंगे कि हम बेकसूर हैं? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।